अभी क्या है बे? क्या है? चाय? नहीं नहीं नहीं, हमें चाय नहीं पीना, हम इस वक्त बहुत टेंशन में हैं। हमारे लिए मिल्चेक लेकर आओ, जाओ। चॉकलेट, शक्कर कम। अबे बुढ़ाओ, जल्दी आ, जल्दी आ, खबर दे क्या हुआ है। शुक्रिया। अबे जेंटलमैन का कुछ पता चला? बक दे, चारों तरफ छान मारा जी, कहीं नहीं मिला ही जेंटलमैन। क्या बात कर रहा है बे? अच्छा तो सुन, पीछे की तरफ देख लिया? वाला वो झाड़ के आगे देखने बोला था, वहां देख लिया? वाला अबे वहां कुएं के पास देखने बोला था, वहां देख लिया? वाला अबे तो कौन सा चारों तरफ देख लिया बे? सॉरी, उसको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया सर? मेरा जेंटलमैन तो पता नहीं। एक्सक्यूज मी बिल्लू, रो मत रो मत, क्या हुआ? चिंता मत कर, तेरा भैया है वो, क्या हुआ बता। भैया कल को आपको कुछ भी हो जाए ना तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेंटलमैन वाला खुश, दिल खुश हो गया है प्यार? अरे कुछ काम के नहीं हो बे गुलगुले, वो ढूंढ के लेकर आ जाए यार गुलगुले। अबे गुलगुले, अबे वो गुलगुले कहाँ है बे? हैं सर, शी इज कमिंग। गुलगुले क्या हुआ, कुछ पता चला? अबे गुलगुले कुछ बताओ, कुछ पता चला? सर सर, जेंटलमैन गुलगुले, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। गुलगुले जल्दी बोल, क्या बात है? ये कुछ नहीं बोल रहे, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब जेंटलमैन में कुछ नहीं बोल रहा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना सर, जेंटलमैन का कहीं कुछ पता नहीं चला सर। आपकी वजह से हुआ है गुलगुले जी, आपकी वजह से। आपको हिल स्टेशन आना था, आपको पिकनिक मनानी थी, आप जेंटलमैन को यहाँ तक लेके आए मौत के मुंह में। अगर वो चौकी में होता ना तो उसका कोई बाल भी भागा नहीं कर सकता था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी। मैडम के सामने तू भी तो कह रहा था ठंडी हवा होगी मैडम, मजा आएगा, मस्त समा होगा। हाँ yes! वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन ये आपका किया था, सब आपने किया है, सब जेंटलमैन को मेरा जेंटलमैन। अबे झगड़ा बंद करो बे। ये सोचो कि जब मिस चौटाला को मालूम पड़ेगा तो वो क्या करेगी? वो भैया के गले में पट्टा डालेंगी जेंटलमैन का। वाला कैरी ऑन। वेल हद हो गई है यहाँ पर, हद हो गई है। इतना जो है मजे में, हॉलिडे मूड में, सब बिल्कुल भूल गए कि एक कुत्ता भी साथ में, एक जेंटलमैन चोरी हो गया, वो किडनैप हो गया। Well, mom, I am sorry is the truck car lorry is the लॉरी लेके जो है ना थारे ऊपर चढ़ा दूंगी मैं लॉरी। सौवे, सौवे। बातें मिला रहे हैं बस यहाँ, ट्रक कार लॉरी।
और आप ये कैसा मैनेजर साहब ये रिजोर्ट चला रहे हो यहाँ पे हैं? कैसी व्यवस्था सिक्योरिटी चल रही है? एक किसी का जो है डॉग ही गुम हो गया, किडनैप हो गया एकदम आपके रिजोर्ट के नीचे से, आपको पता ना लग रही? मैडम इसके पहले हमारे रिजोर्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ मक्खी मार के। अब क्यों दिलवाले? हूँ मैम साहब, साहब जी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। यहाँ से कपड़े चोरी होते हैं, अटैचियां चोरी होती हैं, इनका विग भी चोरी हुआ हुआ है, लेकिन कुत्ता आज तक चोरी नहीं हुआ। बख्शिश तो बनता है। मैडम मुझे तो ये शायर के ऊपर शक है, क्योंकि शायरी वायरी तो इसकी दो कौड़ी की है, ये चोरी कर करके ही अपना खर्चा चलाता होगा। अरे क्या बात करते हैं हुजूर, माना कि हम शायर दो कौड़ी के हैं, लेकिन चोरी और हम, तौबा तौबा तौबा। तो खर्चा कैसे चलाते हो? क्लबों में नाचता हूँ। ऊपर वाले का करम है, खाना बहुत गर्म है, अगर पता होता कि ये पुलिस वाले हैं तो कभी शायरी की शाह भी नहीं करता। शाह शाह खा खा। अरे तू कहाँ गया यार जेंटलमैन? कौन ले गया उसे? किसने कर लिया उसे किडनैप? मिल गया मैडम, चोर मिल गया। डॉगी चोर। लीजिए मैडम, चुप चुप के सुन रहा था। इसने चोरी किया जेंटलमैन को, ये मिस्टर दुबे। नहीं नहीं मैडम, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैं तो खुद डॉग लवर हूँ। मैंने जब से सुना है कि वो डॉगी किडनैप हो गए, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। डॉगी दिल्ली जाएगा। डॉगी दिल्ली जाएगा मैडम, बार बार ये आदमी कहता है डॉगी दिल्ली जाएगा। इसका मतलब इसने जेंटलमैन को किडनैप किया और दिल्ली भेज भी दिया है। मिस चौटाला, एक सवाल हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है कि अगर जेंटलमैन को किसी ने किडनैप किया है तो जरूर जेंटलमैन से उसे कुछ फायदा रहा होगा, वरना हमारे प्यारे से पप्पी को किडनैप कौन करेगा बे? हैं? अरे सर, एक कुत्ते से किसी को हो सकता है फायदा? वो अपना कहाँ था वो उस समय जब ये तुम लोग जब लंगड़ी टांग खेल रहे थे हैं बस से निकल के, तब जेंटलमैन कहाँ था वो हाईजैकर? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम वो बस में ही था ना, मतलब वो लंगड़ी टांग कैसे खेलेगा? इसका मतलब जब तुम लोग बाहर लंगड़ी टांग खेल रहे थे तब वो हाईजैकर जेंटलमैन के संग बस में अकेला था। उसके कुछ वक्त बाद हाईजैकर नदी में कूद जावे, फिर जेंटलमैन को किडनैप करने की कोशिश की जावे, और फिर जेंटलमैन किडनैप हो भी जावे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेंटलमैन और उस हाईजैकर का ही कुछ लेना देना? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अबे चुप। बॉस बॉस कितने खुश हो जाएंगे कि हम लोग जुगल किशोर को ले आए। कौवा क्रैक है हाँ? और खुश होकर बॉस हमें इनाम देंगे, मंकी में ऐड है। बॉस 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 जेंटलमैन इसका हसीना से लड़के मेरे नैन इसका। बहुत ठंड है यार, आज तो दो टकाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही यार। इतनी बर्फ गिरते हुए मैंने कभी नहीं देखी यार। What is the happened is the, क्या मम्मी जी ने तुम्हें कर दिया है सस्पेंड is the? नहीं भैया, मैं तो कुछ और ही सोच के रो रहा हूँ, लेकिन
मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। आप मुझसे पूछना भी मत कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि आप कितनी भी जिद जबरदस्ती करेंगे तो भी मैं बताने वाला नहीं हूँ कि मैं क्यों रो रहा हूँ। बस नहीं नहीं पुत्र बताना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तू मुझे भैया कहते ना, बताओ क्या बात है। भैया कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, मैं तो कांप रहा हूँ। मैंने आज तक इतनी बर्फ गिरते हुए नहीं देखी। जेंटलमैन बेचारा तो जम गया होगा। कोई भी जम चाय आ गई। बहुत ठंड है यह, हमेशा इतनी ठंड बर्फ पड़ती है। ये बर्फ नहीं गिर रही है, ऊपर पुताई का काम चल रहा है, चूना गिर रहा है नीचे। क्या कह रहे थे तुम? भैया मैं ये कह रहा था कि मैं जेंटलमैन को ढूंढ रहा था तो मैं थक गया, तो एक पेड़ के नीचे मैं ऐसे ही सुस्ताने के लिए बैठा तो मेरी आंख लग गई, तो मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? नहीं भैया आप जाने दीजिए, आप मत पूछिए। देखो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, बताओ क्या बात है। भैया आप इतनी जिद कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने देखा कि हम लोगों ने फिर जेंटलमैन को बहुत ढूंढा लेकिन वो फिर हमको कभी नहीं मिला। अच्छा। और मैडम को उसकी बहुत याद सता रही है। अच्छा। क्योंकि उनको उसकी आदत हो गई ना। अच्छा। वो उसके बिना रह नहीं पा रही है। अच्छा। तो उन्होंने ये जो आपके हाथ में जेंटलमैन का पट्टा है ना, ये आपके गले में डाल दिया और आप चौकी के नए जेंटलमैन बन गए। तू मेरे बारे में ऐसे सपने देखता है? मैं पट्टा बांध के बैठा हूं, हंस रहा ऊपर से, हंस रहा ऊपर से। ये पट्टे के अंदर क्या है? ये क्या है भैया? Oh my gosh! What is this? ये क्या है भैया? कोई चिट सी लग रही है। दिस वन। इस चिप की वजह से हुआ है ये सब। इस चिप के चक्कर में जेंटलमैन नु किडनैप कर दिया गया है। क्यों हंस रहा है बे बुढ़ाऊ? बुलबुले हंस रहा था जी, मैं हंस लिया। मैडम मैं तो वो बिल्लू हंस रहा था इसलिए हंस दिया। अबे भुलक्कड़ बिल्लू तू का हंस रहा है बे? सर आपने बात ही ऐसी कर दी कि मेरी हंसी निकल गई सर। अगर कोई सर चिप के लिए कुत्ता लेने आएगा तो सर वो पट्टे के साथ में कुत्ता लेके जाएगा ना, पट्टा यहाँ छोड़ के क्यों जाएगा जबकि पट्टे में चिप है, कुत्ते में चिप थोड़ी ना होती है सर। बराबर सही बात है, इसलिए मन ने कोई टेंशन नहीं है, जेंटलमैन जरूर वापस आ जाएगा। और जिसने भी जेंटलमैन को किडनैप करा है ना वो अपनी चिप लेने यहाँ वापस जरूर आएगा। भैया आप मत बको जेंटलमैन की तरह, ठीक है ना? Well, this is not me is the, it is she is the. राम राम मैम साहब, जयराम जी की साहेब। जेंटलमैन ये कुत्ता तो हमारा ही है, लेकिन भैया तुम्हारे पास कैसे आ गया? तो साहब कहा है ना कि हम ऐसे दूर गांव में रहता हूँ। हम सड़क पे जा रहा था तो देखा एक गाड़ी आई और एक कुत्ता को बेचारा को जमीन पे छोड़ के चली गई। अब कुत्ता शकल से बहुत ही खानदानी लग रहा था इनकी तरह, तो हमने सोचा जरूर किसी रईस आदमी का होगा। अब ये इलाके में तो रईस लोग रिसार्ट फिसार्ट में ही रहता है, इसलिए हम इका यहाँ ले आया। आप ही का है ना?
अरे बहुत सही करा, बहुत सही करा तुम इसे यहाँ ले आए, हमारी जान में जान आ गई। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए यार। नहीं नहीं मैम साहब, इनाम का बात नहीं है, हम तो अब अपना गांव वापस लौट जाऊंगा, लेकिन परेशानी यह है कि हम बहुत दूर रहता हूँ, हमारा गांव बहुत दूर है, शाम हो रही है, सोच रहा हूँ कैसे पहुंचूंगा घर। यहाँ से सीधा जाइए वहाँ पे एक बस। देखो ऐसा है, आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ इस रिजॉर्ट में, आपके रूम का पैसा हम देंगे, ओके? फास्ट बूफे वगैरह लेके अपना कॉफी वगैरह पी के फिर निकलो एकदम बढ़िया झोला वोला लेके। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। जेंटलमैन आजा, जेंटलमैन नहीं कहीं नहीं, अब अभी हम इधर ही। ओए चेन में बंधना नहीं चाहता है ये बिल्कुल। सुनो भैया, जब गाड़ी छोड़ के गए तो तुमने ड्राइवर को देखा? नहीं साहेब, वो तो गाड़ी चला गया उसका बाद हमी को देखा ना, इसलिए। हमारे घर कुत्ते भी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, मजाक पंछी है जी। हाँ। जो जो जो। चलो भाई आइए आइए, सेवा करेंगे आपकी। अरे आराम से, धक्का मत दीजिए, बहुत कुत्ते लौटाने का शौक है। चिप चाहिए ना तेरे? क्या हो गया यार, इतना चौंक क्यों रहे हो? ये सब तो एक ड्रामा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुत्ता लौटाओ बनके हमारी मैडम को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? फंस गए ना पुलिस के जाल में। पुलिस कहाँ है? पुलिस वाला हम है पुलिस। मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला और ये हमारी टीम। और एक बात मैं सबकी नॉलेज के लिए बता दूं आपकी, कि वो आदमी चोपड़ा जिसे सब बदमाश और हाईजैकर और किडनैपर समझ रहे हैं, वो असल में एक इंटेलिजेंस का आदमी है। ज्यादा चौंकने की जरूरत ना है, चोपड़ा इंटेलिजेंस का आदमी है, यो कमिश्नर साहब ने मन्ने फोन पे बता दिया था। थारे खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन चोपड़ा ने इस माइक्रोचिप में छुपा दी है ना? और इसी माइक्रोचिप को लेके वो थारे से बच के भाग रहा था। थारे आदमी उसका पीछा कर रहे थे, वो भागते भागते हमारी बस में चढ़ गया। yes! चोपड़ा को तो बेरा कोई ना था कि जी बस में पुलिस वाले सिविल ड्रेस में अपना साड़ी वाड़ी वगैरह में बारात में जा रहे हैं, और हमें भी पता ना था कि वो भैया इंटेलिजेंस का आदमी है। काफी जो है गेम वेम हुई, इन लोगों ने लंगड़ी टांग वगैरह खेली, और चोपड़ा ने आखिरकार यो चिप बेचारे जेंटलमैन के पट्टे में छुपा दी। और फिर वो भाग के नदी में कूद गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि आगे जाके थारे आदमियों ने उसे पकड़ लिया, और फिर पकड़ने के बाद उससे यो तो उगलवा लिया कि माइक्रोचिप कुत्ते के पट्टे में है, लेकिन किडनैप करने की कोशिश और किडनैप करने के बाद भी तेने यो चिप हाथ ना लगी, क्योंकि चिप पट्टे में ही रह गई थी और पट्टा यहाँ रह गया था। और मन्ने बेरा था
कि इस चिप को पाने के लिए तू एक बार फिर यहां जरूर आएगा, और ईब जब आएगा तो फंसेगा जो कि तू फंसा। और तुम्हारी बदकिस्मती से चोपड़ा हमारी बस में आया, जहां हम सिविल कपड़ों में शादी के माहौल में जश्न मनाने जा रहे थे। इंटरनेशनल स्मगलर जेके यानी जुगल किशोर, यू आर अंडर अरेस्ट। धर लो इसने। मैं इसको चार मालिक का फोन किया, मैं आपको बचाऊंगा। सर सर कुछ बहुत है क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.